Hey, what's up guys? It's Payesh here and welcome back to Pal World. अब लास्ट वाले एपिसोड में मैंने एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल पोकेमोन पकड़ा जो कि एक टक्कर में यार पोकेमोन्स की ऐसी तैसी कर देता है। एंड आज मैं एक घर भी बनाने वाला हूँ अपने पोकेमोन्स के लिए। और ये देखो यार, ये तो आते ही पेड़ तोड़ना स्टार्ट कर दिया भाई। अरे कितना ये पोकेमोन यार सबसे बेस्ट है। एंड इसी के साथ मैं बहुत सारे पोकेमोन्स पकड़ने वाला हूँ। चल भाई तू पहले मेरे पास आ जा। सबसे पहले मेरे को यहाँ फाउंडेशन पे जाना है और मेरे को सबसे पहले फ्लोर बनाना है। तो फ्लोर के लिए ये वाला वुड ऐसे सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस साइड में बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे एक ये देखो गेट जैसा भी है तो अच्छा लगेगा। ऑलराइट, बेस तो रेडी हो चुका है और अब मेरे को इसके पास छत डालनी है ताकि ये और ज़्यादा बेहतर लगे। पहले यहाँ पे साइड में अपने दीवारें खड़ी कर देते हैं। घर बन के एकदम रेडी हो चुका है और अभी मैं आप लोगों को बाहर से भी दिखा देता हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया मैंने, बहुत छोटा बनाया है, पर मैं इसको बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि हम लोग अपना यहाँ पे ताजमहल मतलब कैसल भी बनाना है। अभी तो मैं फंस जाता भाई। यार ये अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और मेरे को पता है कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन धीरे धीरे इसको और भी बेहतरीन बनाने वाले हैं। पहले मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे उनके लिए बेड्स लगा देते। क्या गिरा रहा है भाई तू? अरे इसने सारे पेड़ छांट दिए भाई मेरे एरिया के। कोई बात नहीं, अभी मैं अंदर बेड बना देता हूँ क्योंकि भाई बेड बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। तो बेड के लिए मैंने एक लोकेशन सोची हुई है। एक्चुअली बहुत भयंकर तरीके से ना वुड इकट्ठे कर रखी है, मेरे को दिक्कत ही नहीं है। बस ये कोई एक ऐसा होना चाहिए जो चेस्ट में ला के मेरे सारे सामान को रख दे। काश की चेस्ट में भी रखते भाई, मज़ा आ जाता। पर उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पर बेड बना देता हूँ। ऑल राइट गाइस, बेड भी बन चुका है। अभी हम लोग बनाने वाले हैं अपने यहाँ पे पोकेमोन्स के लिए बेड। एक्चुअली यहाँ पे मेरे पोकेमोन्स के लिए भी बेड है, पाल्स बेड। तो ये भी यहाँ पे बना देते हैं फटाफट। अभी दूसरा ही दिन है और मैंने प्रोग्रेस इतनी भयंकर कर दिया है। अभी मेरे पास फिलहाल एक ही पोकेमोन है, लेकिन आज मेरा प्लान ये है कि आज हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के पोकेमोन्स पकड़ने वाले हैं, कोई बॉस पोकेमोन पकड़ने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। पर उससे पहले घर वर बन चुका है, अब मैं बिल्कुल मेरे से वेट नहीं हो रहा और पोकेमोन्स पकड़ने के लिए। तो मैं जल्दी से पाल्स फेयर बनाता हूँ एंड निकलते हैं भाई पोकेमोन्स पकड़ने। फाइनली मेरे को मेरा पहला शिकार मिल चुका है। ये है मेमोरेस्ट और ये किंग ऑफ द फॉरेस्ट है एंड मेरे हिसाब से यहाँ का बॉस पोकेमोन है, तो मेरे को इसको पकड़ना चाहिए। क्या बोलते हो गाइस, स्टार्टिंग इसी पोकेमोन से करें क्या? हम लोग स्टार्टिंग इसी पोकेमोन से करें। गो ब्रो, पीट दे इसको, जा मार, गुद्दी तोड़। अबे क्या हो गया तेरे को? अरे भाग क्यों रहा है, मारना, अटैक। ओके फाइनली गाइज, मेरे पोकेमोन ने अटैक कर दिया। वापिस बुलाते हैं, फिर से भेजते हैं। ओ वेट, मैंने यार किसी गलती पोकेमोन से पंगा ले लिया यार, उसने तो गुद्दी तोड़ दी। भाई पहले तो मुझे लग रहा था मेरा पोकेमोन बहुत पावरफुल है, पर मैं गलत था, मेरा पोकेमोन थोड़ा सा कमज़ोर है। वैसे भी उस मेमोरिस्ट की जो लेवल थी वो 35 थी और मेरे पोकेमोन की 9 है। मैं भी बेवकूफ़ों की तरह चला गया, पर कोई बात नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे अपना छोटा मोटा टास्क करते हैं जब तक मेरा पोकेमोन हील होता है। ओ मर गया मैं, मार पक्षी मार। ओके ओबे तू कूद क्यों रहा है पागल? ऑलराइट गाइस, मैंने इसको पकड़ने के लिए लगा दिया, 70% है। नहीं पकड़ भाई, कैसे भी पकड़ मुझे नहीं पता, पर इसको पकड़ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ फाइनली मैंने उसको पकड़ लिया। ऑलराइट, अभी हमारे पास एक टैंगुलेट पोकेमोन भी है। अभी हम थोड़े से पावरफुल हो चुके हैं। इस मैमथ पोकेमोन की तो गुद्दी तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा ये पहचान नहीं पाएगा कौन आके मार के गया। बेटा ज़्यादा फैलता है ना ये। पर यहाँ पे एक उल्लू है जिसने लास्ट टाइम मेरे को मारा था, याद है क्या गाइस? पिछले वाले एपिसोड में इसने मेरी गुद्दी तोड़ी थी। गुद्दी तोड़ इसकी, मार इसको, मेरे को पकड़ना है कैसे भी, मार दे तेरी तो मैं भी मारूंगा तेरे को, ये ले। हाँ नहीं तो पकड़ना है इसको, अभी मैं इसको पकड़ने वाला हूँ। प्लीज 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 प्लीज, लेट्स गो। अभी मेरे पास एक नया पोकेमोन और आ चुका है। मेरे को पता है ये कुछ खास पोकेमोन नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है, बट कोई बात नहीं यार, पहले इनको ही पकड़ते हैं फिर और बाकियों को पकड़ेंगे। ओ डन गाइस, फाइनली यहाँ पे मैंने अपने लिए क्लोथ बनाया है। और गाइस मेरा प्लेयर एक बार देखो क्या लग रहा है भाई, अब लग रहा है कोई एनिमे कैरेक्टर स्टार्ट हो गया भाई, एक एनिमे स्टोरी स्टार्ट हुई है भाई, एक भयंकर वाली। एंड मैं वादा करता हूँ मैं सारे पोकेमोन्स को पकड़ूंगा। वैसे वो सामने इतना बड़ा पेड़ कैसे है, कुछ है क्या वहाँ पे?
मेरे को जाके देखना होगा। और वैसे यहाँ पे एक ये भूत वाले पोकेमोन है जिनका नाम पता नहीं क्या है, डेड रेम। ओके इनको भी हम पकड़ सकते हैं। वैसे मैं अपना पावरफुल पोकेमोन ले लेता हूँ यहाँ से सबसे पहले। ओ वेट गाइस, ये कौन सा पोकेमोन है बे? ये तो बहुत बड़ा पोकेमोन है। वेट वेट वेट, मैं इसको पकड़ने वाला हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन सा है, लेकिन मार भाई, ये मुझे चाहिए। शिट, इसने मेरे उसको मार दिया। ओहो एके थे डियर, इसकी गुद्दी तोड़, इसने मेरे पोकेमोन को मारा है। ये इसको पता चलना चाहिए कि इसने किसको मारा है। मार अबे, एक सेकेंड एके थे डियर, मार मार भाई मार, बढ़िया। इसकी ऐसी की तैसी तू क्यों मार रहा है? शिट गाइस, इसने मेरे उसको भी मार दिया। जा भाई फॉक्सी, तू ही मार सकता है इसको। भाई फॉक्सी मार दे, फॉक्सी मार दे यार प्लीज। ओ मैं मर जाऊंगा। फॉक्सी मार, क्या मैं इसको पकड़ पाऊंगा? कैप्चर रेट वैसे बहुत कम है। क्या लगता है गाइस, क्या लगता है गाइस? लेट्स गो, मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने एक नया पोकेमोन, एक बहुत ज़्यादा अलग सा चमकने वाला पोकेमोन पकड़ा है। डैम भाई, मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेबॉल था। अगर ये पोकेबॉल टूट जाता ना तो उसके बाद मैं इसको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि मुझे पता है ये भाग जाते हैं, फट्टू है ये एक नंबर के। पर भाई फिलहाल अभी मेरे पास एक भयंकर पोकेमोन आ चुका है। मतलब पता नहीं भयंकर है कि नहीं, पर मैं एक बार इसको निकाल के देखता हूँ। क्या ये भयंकर है? हाँ भाई ये सच में भयंकर है, सेम भाई। ओ भाई ये तो बहुत मारता है सबको। मैंने अभी एक पोकेमोन देखा था यार, नीली। ओ दिख गई फाइनली ब्रो, तेरा टाइम ओवर, आ जा। चिलेट, ओके ये यहाँ की बॉस पोकेमोन है क्या? ओ ब्रो ब्रो, अरे अरे मेरे को मत मारो ए पागल, मैं तो चला यहाँ पे कवर में। जा भाई अब तू तो बेटा पिटा। ओए मुझे मत मारो, मैं अपने पोकेमोन के पीछे हूँ, मुझे मारने की गलती मत करना भाई। यार अभी तो बहुत भयंकर फाइट होने वाली है। ओ उसने मेरे पोकेमोन को जमा दिया। अबे मारना, क्या कर रहा है तू मिट्टी वाले? मर गया। उर आ, अरे भैया सॉरी, आई अयो अयो भाई, इसने तो मेरे पोकेमोन को मार दिया रे। मेरे पास कुछ है क्या? आ ये यहीं पे आ गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, प्लीज मत मारो मेरे को। कुछ है क्या खाने को? कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं है मेरे पास, अभी एक ही ऑप्शन है। क्या मैं उसको नहीं पकड़ सकता भाई, पर मैंने उसकी हेल्थ बहुत कम कर दी है। काश कि मैं उसको पकड़ पाता यार। सारे पोकेमोन सोए हुए हैं भाई रात में, एक दो ही हैं जो ज़्यादा फैल रहे हैं रात में, हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, पिटेंगे ये और कुछ नहीं। ओ गाइस देखो सामने कौन सोया हुआ है, मेरा शिकार शिलेट। शिलेट ओके भाई, तू आराम से सोया हुआ है ना, तेरी गुद्दी तोड़ दूँ आज मैं, देख कैसे आराम से सोया हुआ है। रुक जा मेरे को मेरा सामान लान दे पहले, है ना। पता चल रहा है मेरी गुद्दी टूट रही है। मेरे पास या मेरे पास है, चलो पल्स फेयर है, मैं पल्स फेयर है तो मैं पकड़ लूँगा आराम से। शिलेट पकड़ते हैं भाई, फिर एंड करते हैं वीडियो। अरे शिलेट को मार, शिलेट को मार मार मार, इसकी गुद्दी तोड़। मैं पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत भयंकर फाइट होने वाली है। ओ भाई यार ये तो बहुत खतरनाक है। ओए ओए मेरे पास कहाँ आ रहा है पोकेमोन? मेरे पास नहीं आने का। ओए कैसे देख रहा बावले, उब अबे क्या पागल हो गया, ये मेरे पास क्यों आ रहा है? अबे मेरे पास क्यों आ रहा है?
ओके नाइट विंग, इसकी गुद्दी तोड़िए जरा, कुछ ज्यादा ही फैल रहा है ये। मार मार नाइट विंग, मार इसकी गुद्दी तोड़ दे नाइट विंग, मार ना। अरे नाइट विंग को जला, वो जमा दिया नाइट विंग को। गाइस अभी बहुत भयंकर फाइट चल रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ही भयंकर, और नाइट विंग भी बहुत अच्छा मार रहा है। व्हाट, मैं मर गया शे भाई, इससे फाइट करना बहुत हार्ड है यार। गाइस अभी हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और थोड़ी सी पावरफुल है। माना कि हम लोग थोड़ा बहुत पिट रहे हैं, पर धीरे धीरे हम लोग और पावरफुल हो जाएंगे एंड फिर हम लोग बाकी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ेंगे। आज का दिन बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा ही मस्त था। मुझे पता है आप लोगों को ऐसे ही एपिसोड पसंद आने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड यार लाइक कर दो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है यार जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। हम लोग 1000 सब्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।